स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम इस सेशन में इसरो का एक नया डेवलपमेंट, इसरो की तरफ से एक नया डेवलपमेंट, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो वेरियस टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स इसरो के हम कह सकते हैं खेमे में है और ये नया मेंबर बनने जा रहा है। वेलकम एवरीवन टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज टू सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पिछले सेशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लिप फ्लॉप ने फिर से क्वेश्चन को आंसर किया है। आंसर सी, पोअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल कॉन्ट्रीब्यूट टू एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ऑफ माइक्रोब्स, ये सही है। राइट गाइस, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अब हिमाचल प्रदेश के नायब तहसीलदार प्रीलिम्स 2018 का ये क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नायब तहसीलदार ले लीजिए, एचपीएस एग्जाम ले लीजिए, उसके मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच साउथ एशियन सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इसरो इन मई 2017, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इससे भी पूछा जा सकता है। नया डेवलपमेंट है ये एक पूरी तरीके से एक डिस्कस करने लायक डेवलपमेंट है। साथ ही साथ हम और भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो रिसेंटली हुए हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। ये हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, इन्हें अभी अभी जो है रिसेंटली इन्हें न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो चुना गया है, तो ये डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ, ठीक है। तो पहले जो एक्चुअली हमारे इसरो के चेयरमैन थे उनका नाम अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, और इन्हें नया जो है चेयरमैन चुना गया है। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये जो है 2019 में ही इसरो लॉन्च करना चाहती थी, बट वेरियस इश्यूज इकोनॉमिक हो गए, कोविड पेंडेमिक ऑब्वियसली बहुत बड़ा इश्यू रहा है, उसके वजह से वी कुड नॉट लॉन्च दिस। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक तरह का लॉन्च व्हीकल है, सो द नेम इटसेल्फ सेज इट कि ये जो है लॉन्च करता है सैटेलाइट्स को, राइट। तो लॉन्च करने वाले इस नए क्लास ऑफ व्हीकल के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन्हें हमें समझना है। तो अप्रैल 2022 में वी कैन एक्सपेक्ट दिस लॉन्च। आल्सो हमें याद रखना है कि न्यू चेयरमैन का नाम क्या है, इनका नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लॉन्च व्हीकल्स होते क्या है। यहाँ पर देखिए इसरो का जो है एक लॉन्च व्हीकल है, और इसके इस लॉन्च व्हीकल के टॉप में जो टॉप जो पार्ट होता है उसमें हमारा मेन सैटेलाइट होता है। तो पूरा जो सिस्टम है नीचे पूरा वो हेल्प करता है प्रोपेल करने के लिए और इस मेन सैटेलाइट को अगेंस्ट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमें इसे बाहर आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड लेकर जाना है, उसके लिए लॉन्च व्हीकल यूज किया जाता है, राइट। टॉप पोर्शन में सैटेलाइट होता है, बाकी सारे जो पोर्शंस हैं वो डिटैच हो जाते हैं। किस किस तरह के लॉन्च व्हीकल्स इसरो के पास थे और इसरो ने डेवलप किए हैं, सबसे पहला SLV जो बेसिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो है लो अर्थ ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए ये यूज किया जाता था। तो अगर हम अर्थ को इस तरीके से विजुअलाइज करें, अर्थ के एकदम आसपास यानी कि अबाउट 300-500 किलोमीटर्स अर्थ से दूर जो एल्टीट्यूड है वहां पर जो भी सैटेलाइट लॉन्च होता है उस ऑर्बिट को हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, राइट। इसके बाद और आगे अगर हम जाएं तो उसके ऊपर का जो ऑर्बिट है, हम ऑर्बिट क्यों कह रहे हैं, सॉरी गाइस इस सर्कल के लिए, बट यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के इर्द गिर्द इस तरीके से घूमेगा इस सर्कल के साथ में, राइट। तो इस वजह से इसे हम ऑर्बिट कहते हैं, ये हमारा अर्थ है और ये लो अर्थ ऑर्बिट है, राइट। तो इससे ऊपर अबाउट 2000 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस अगर हम देखें तो उसे हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। इसके साथ सबसे ऊपर सबसे दूर वाले इस जो है ऑर्बिट को हम जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट भी इसे कहा जा सकता है,
ठीक है, तो जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस हम डिस्कस करते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। मीडियम हाई और लो क्या है यहाँ पर, ये जो एल्टीट्यूड है फ्रॉम द अर्थ उससे दर्शाता है। अब दो और तरह के हमारे जो हैं ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें से एक जो ऑर्बिट है उसे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो सपोज इंडिया यहाँ पर है एंड यहाँ से हमने सैटेलाइट लॉन्च किया है और हम चाहते हैं कि कोई जो टीवी चैनल है या फिर कोई फैसिलिटी है जो प्रोवाइड की जा रही है बाय दिस सैटेलाइट कंटिन्यूअसली प्रोवाइड हो, लेट्स से कम्युनिकेशन जो है प्रोवाइड किया जा रहा है कंटिन्यूअसली प्रोवाइड हो, तो उसके लिए अर्थ जो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है इस सैटेलाइट को भी उसी तरीके से साथ साथ रिवॉल्व करना होगा, तभी वो एकदम अर्थ के ऊपर हमेशा इस पोजिशन के ऊपर हमेशा रह पाएगा। तो उस स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक हाइट है फ्रॉम द अर्थ जहां पर ये होता है, राइट? तो ये हाइट है 36,000 किलोमीटर अबाउट, इसके आसपास है, इससे थोड़ा कम ही है, बट 36,000 किलोमीटर के आसपास की जो हाइट है फ्रॉम द अर्थ वहां पर, और अगर आप एक सैटेलाइट जो है लॉन्च करते हैं उस ऑर्बिट में, दैट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू जियो यानी कि अर्थ दिस सैटेलाइट इज स्टेशनरी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ऑर्बिट्स हैं हमारे जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, राइट? तो इन डिटेल अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वी विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन वेरियस ऑर्बिट्स और डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल, राइट गाइस? तो यहाँ पर सबसे पहला जो है SLV, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लायक यानी कि एकदम पास में ले जा सकता है। देन एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल लोअर ऑर्बिट अगेन, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेलोड है जो सैटेलाइट का वेट है वो बढ़ गया है, 40 kg पहले ले जा पाता था 150 kg, राइट? फिर आया PSLV, इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है यानी कि सबसे रिलायबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, तो ये पूरे जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ये पूरा डिटैच हो जाएगा, ये पूरा लॉन्च करने के लिए और उसे सही ऑर्बिट में ले जाने के लिए है। यहाँ पर आपका जो है पेलोड होगा मेन सैटेलाइट की, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ ऊपर रहता है, राइट? तो इस तरीके से ये PSLV जो है ये एक लॉन्चिंग व्हीकल है और इस लॉन्चिंग व्हीकल में 4 stages होते हैं, 2 solid और 2 जो है लिक्विड स्टेजेस होते हैं। सॉलिड लिक्विड स्टेजेस का क्या मतलब है, 2 stages जो है वहां पर आपका सॉलिड फ्यूल बर्न होगा। ओके, तो एकदम इनिशियल स्टेज में सॉलिड फ्यूल बर्न होता है और सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और 3 तरह के फ्यूल होते हैं क्रायोजेनिक जो अभी यूज किए जा रहे हैं। तो सॉलिड फ्यूल के अपने एडवांटेजेस है, लिक्विड के अपने हैं, क्रायोजेनिक के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, उनको यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ये जो सैटेलाइट है इसे जो है एकदम अर्थ से बाहर निकालना है, राइट? उसके लिए पूरा फोर्स एकदम लगना चाहिए, तो सॉलिड फ्यूल इनिशियली यूज किया जाता है ताकि अर्थ से इसे जो है सबसे ज्यादा थ्रस्ट मिले, फोर्स मिले ताकि अर्थ से बाहर जा सके। अब लिक्विड फ्यूल का क्या यूज है, अब जाने के बाद अर्थ से बाहर चला गया, अब इसको क्या करना है, इससे स्पेसिफिक ऑर्बिट के स्पेसिफिक लोकेशन में सैटेलाइट को लॉन्च करना है, उसके लिए कंट्रोल चाहिए हमें कि ये जो है इस तरीके से ना चले जाए, इसे इस ऐसे ही जाना है, वो कंट्रोल हमें लिक्विड एंड क्रायोजेनिक फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्रायोजेनिक फ्यूल जो है बहुत ही कूल, बहुत ही लो टेम्परेचर पर ये फ्यूल होता है और ये बहुत ही एक्स्ट्रा पेलोड कैरी करने में और अच्छे तरीके से दूर के जो ऑर्बिट से वहां तक ले जाने में हेल्प करता है। तो ऐसे इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, लिक्विड फ्यूल को आप कंट्रोल कर सकते हैं, सॉलिड फ्यूल पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, इसीलिए इनिशियल थ्रस्ट के लिए यूज किया जाता है, लिक्विड फ्यूल मनूवर करने के लिए यूज किया जाता है, राइट? तो ऐसे 4 इसमें स्टेजेस हैं। GSLV-MK2 जो है इसमें सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक 3 stages हैं, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये ट्रांसफर करता है। अब मान लीजिए 2 ऑर्बिट्स हैं, इनके बीच में एक यहाँ पर जो है हमारा सैटेलाइट है, अब इसको जो है इस ऑर्बिट में डालना है, तो क्या हम यूज करेंगे, हम एक ट्रांसफर ऑर्बिट यूज करते हैं। ठीक है, एक ट्रांसफर ऑर्बिट के पाथ को हम लेते हैं और यहाँ पर जब ये सैटेलाइट इस तरीके से इसमें आता है, इस ट्रांसफर ऑर्बिट में डालते ही ये दूसरे वाले जो ऑर्बिट में पहुंच जाता है, तो इस तरीके के ट्रांसफर और इसको करने के लिए ये यूज किया जाता है। ऑल्सो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आप जो है
पहुंचा सकते हैं सैटेलाइट्स को। इसका एडवांस वर्जन जीएसएलवी मार्क 3 सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक, अगेन यहाँ पर भी ये सेम थिंग्स है। और आप देख रहे हैं कि जो पेलोड है वो बढ़ता जा रहा है, 2200 kg, 4000 kg, ठीक है। तो ये तो हो गया हैवी सैटेलाइट जो है उन्हें ले जाने का। अब हम जो यूज कर रहे हैं ये दोनों अभी इसरो यूज नहीं कर रहा है, ये और ये यूज कर रहा है, राइट। तो बहुत अच्छी तरीके से लॉन्च व्हीकल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब ये नया जो लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ पर देखिए 4000 kg का अगर सैटेलाइट हमें लॉन्च करना है, देन वी विल बी यूजिंग दिस। 2200 kg का लॉन्च करना है देन ये, ठीक है। कम जो है मास का अगर हमें लॉन्च करना है 1860 kg का ये है, और इससे कम का अगर हमें लॉन्च करना है 500 kg, 1000 kg, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस थे हमारे पास, ASLV और SLV। तो ये अभी यूज नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए ऑप्शन नहीं बच रहा है, इसीलिए एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसको डिजाइन किया गया है। और ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल स्मॉल सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स को केटर करेगा। किसके होते हैं माइक्रो सैटेलाइट्स, गवर्नमेंट जो है मोस्टली लार्ज सैटेलाइट्स लॉन्च करती हैं, बट जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी है, उसने लॉन्च किया किसी तरीके का स्मॉल स्केल कम्युनिकेशन के लिए, लॉन्च किया गया स्मॉल सैटेलाइट, राइट। तो ये जो है स्मॉल सैटेलाइट्स इस तरीके से लॉन्च होते हैं, प्राइवेट सेक्टर मोस्टली इन्हें लॉन्च करता चाहता है कि ये सैटेलाइट लॉन्च हो। पर उसको केटर करने के लिए पहले क्या होता था, अब जीएसएल भी बहुत बड़ा कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, साथ में आप ये कुछ स्मॉल सैटेलाइट जो है इस डब्बे में डाल देंगे साथ में, ठीक है। और यहाँ पर भी यही चीज होती थी कि हमें वेट करना पड़ता था बहुत बड़ा लॉन्च हो, तब उसके साथ में हम स्मॉल सैटेलाइट्स डाल सके। वो चीज अभी नहीं करनी पड़ेगी, ये जो है आराम से अर्थ के हमारे एरिया से बाहर जाकर लो अर्थ ऑर्बिट जो हमने डिस्कस किया, 500 किलोमीटर तक का ऑलमोस्ट ऑर्बिट है वो हमने डिस्कस किया, वहां पर ये सैटेलाइट को जो है लॉन्च करके ये लॉन्च व्हीकल वापस आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये जो लॉन्च व्हीकल है वो डिजाइन किया गया फॉर लाइट वेट सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स, मल्टीपल ऑर्बिट ड्रॉप ऑफ भी ये कर सकता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा इसरो ने जो बताए हैं इसके फीचर्स, वो अगर हम देखें तो लॉन्च ऑन डिमांड, जब भी चाहिए तब लॉन्च किया जा सकता है। लोअर पर केजी लॉन्च कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, टाइम रिड्यूस हो रहा है, कैसे और क्या कैलकुलेशन से टाइम के आगे हम देखेंगे। इंक्रीज प्रोडक्शन रेट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, तो प्राइवेट सेक्टर के साथ हम और भी ज्यादा जो है कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं और उन्हें लॉन्च हम इसके थ्रू कर सकते हैं। मल्टीपल सैटेलाइट माउंटिंग ऑप्शन, नैनो माइक्रो स्मॉल सैटेलाइट ये सब ले जा सकता है। इसके डिजाइन की अगर हम बात करें तो लोअर ये जो पार्ट है, फर्स्ट स्टेज जो है ये है, तो देयर आर 3 stages इस लॉन्च व्हीकल में, ये सेकेंड स्टेज आपका हो गया और यहाँ से जो है थर्ड स्टेज, और ये थर्ड स्टेज के इस पार्ट में आपका सैटेलाइट जो है वो रहेगा, राइट गाइस। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि 3 stages इसके हैं और इसमें जो है सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता है, ओके। मोस्टली सॉलिड, मेनली सॉलिड फ्यूल जो है यूज किया जा रहा है। और ये लो अर्थ ऑर्बिट में 500 kg के सैटेलाइट्स और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 300 kg के सैटेलाइट, राइट। तो ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्बिट्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसको मेनली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि कमर्शियल आर्म है, इसरो के कमर्शियल आर्म का क्या मतलब है, ये इसरो और जो प्राइवेट सेक्टर है इनके बीच का एक सूत्रधार जो है ये बना हुआ है। तो ये कमर्शियल आर्म जो है इसके थ्रू ये किया जा रहा है। ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी एक सूत्रधार बनेगा, क्योंकि इसरो मेनली गवर्नमेंट जो है लार्ज सैटेलाइट लॉन्च करती है, प्राइवेट सेक्टर जो है स्मॉल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो इसरो के इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में प्राइवेट सेक्टर के सैटेलाइट मोस्टली जाएंगे। और लेट मी टेल यू कि इसकी बुकिंग 2019 से ही शुरू हो गए थे, नॉट जस्ट इन इंडिया, यूएस में भी आगे हम देखते हैं, राइट। तो इस तरीके से 3 stages हैं यहाँ पर, फर्स्ट स्टेज सॉलिड स्टेज है, सेकंड सॉलिड स्टेज, थर्ड सॉलिड स्टेज, ठीक है। तो ये जो है लिक्विड फ्यूल इन सम ऑफ द प्रोपल्शन, सम ऑफ द मूवमेंट्स एंड मैनूवर्स में ये यूज किया जाता है। ऑल द 3 आर सॉलिड मोटर, यहाँ पर सॉलिड स्टेज है, राइट। तो इस तरीके से, और यहाँ पर आपका जो है मेन सैटेलाइट होगा, ठीक है। तो वेरियस अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है,
एंड इस तरीके से ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसके 3 सॉलिड स्टेजेस हैं वो हेल्प करेंगे इन लॉन्चिंग स्मॉल माइक्रो नैनो सैटेलाइट्स। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर सीखी। आगे और इस तरह के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की नीड हम देख चुके हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, यूनिवर्सिटीज ये सब स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहते हैं और इन्हें वेट करना पड़ता था कि बड़ा लॉन्च हो तब हम अपनी सैटेलाइट उसके साथ में लॉन्च करें, तो वो नहीं करना पड़ेगा। बेनिफिट्स साथ में अगर हम देखें तो लेस टाइम इज नीडेड, जहां पर ओनली 72 आवर्स, पहले 70 डेज लगते थे लॉन्च व्हीकल इंटीग्रेट करना, उसको टेस्ट करना और सारी चीजें काम कर रही हैं कि नहीं, सब तरह के टेस्ट वगैरह करने में 70 डेज लगते थे जो PSLV GSLV लॉन्चेस में हो रहा था। अब इसमें ओनली 72 आवर्स, लगभग 3 दिन के समय में ही ये हो जाएगा। राइट गाइस, तो इसके साथ साथ वर्क फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो लेस, ओनली 6 पीपल ये जो है इस लॉन्च को कर सकते हैं, जहां पहले 60 पीपल की वर्क फोर्स चाहिए होती थी PSLV GSLV के लिए। कॉस्ट इसका जो है कम है, शॉर्ट टाइम में ये जा रहा है 30 करोड़ के आसपास में एक लॉन्च जो है हो जाएगा। पहले करोड़ों लगते थे PSLV GSLV, बट ये हो जाएगा कम कॉस्ट में। सॉफ्ट डिप्लोमेसी एंड रेवेन्यू, जहां पर 2019 में ही आप देख सकते हैं यूएस स्पेस लॉन्च सर्विसेज स्पेस फ्लाइट इनकॉर्पोरेशन ने बुकिंग कर ली है। ठीक है, 2018 में ही हो गया एक डील जो है इसरो के साथ फाइनल कर ली, जहां पर जो फ्लाइट सॉरी जो लॉन्च व्हीकल के टेस्ट वगैरह होंगे उसमें उनके सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, ये डील उन्होंने कर ली। तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी यानी कि इस तरह से जो है रिलेशन हम बढ़ा सकते हैं अपने बाकी कंट्रीज के साथ और हमारा जो है रेवेन्यू भी होता रहेगा इससे। प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, जहां पर डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग SSLV का वो भी प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है। ग्रेटर सिनर्जी बिटवीन स्पेस सेक्टर एंड प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्रीज, ये चीज जो है स्पेस मिनिस्ट्री चाहती है और वो चीज हो रही है। राइट, तो ये सारे बेनिफिट्स है और इस तरीके से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रेवोल्यूशनाइज कर सकता है पूरे स्पेस सेक्टर को, प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ा सकता है और हमारे स्पेस लॉन्च प्रोग्राम को और भी आगे ले जा सकता है। राइट गाइस, इस तरह से हमारा विजुअलाइज किया गया था। ओके, अब इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो उसका भी आइडिया हमें होना चाहिए। व्हाट इज द रेंज ऑफ पेलोड दैट इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कैन कैरी इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट्स। ठीक है, रेंज ऑफ पेलोड से कितना वेट का जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है, 100 to 500, 500 to 1000, 2000 3000 या 4000 kg। ऑब्वियसली ये तो नहीं है, ठीक है, कम वेट वाले हमें लेकर जाने हैं। तो हमने पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा 500 to 1000 kg के जो सैटेलाइट्स हैं उन्हें ले जाने के लिए ये SSLV को डिजाइन किया गया है। हमारा आंसर यहाँ पर बी है, इस तरह के फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी लाइंस पर, नंबर ऑफ स्टेजेस इनकॉर्पोरेटेड एंड इसरोस SSLV आर, कितने स्टेजेस का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। हमने देखा था कि 3 स्टेजेस का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, सही आंसर यहां पर हमारा है सी। इस क्वेश्चन का आंसर करने कोशिश कीजिए गाइस, इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैज बीन डिजाइन टू लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट इनटू व्हिच ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो भी आपको सही लगता है ए बी सी या डी प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो। देखते हैं कि कौन सही आंसर करता है। राइट गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दिस नंबर और यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@rootapp.co.in। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय।